हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑनलाइन सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ दिसंबर 2009 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर वीडियो। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट्स है और फैक्ट्स है पेपर वन से रिलेटेड, और इनको अच्छे से डीपली एनालाइज करेंगे ताकि आने वाले पेपर के लिए हम समझ पाए कि किस तरीके का पैटर्न आने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी ज़रूरत नहीं है। फालतू के सब्सक्राइबर मुझे नहीं चाहिए जो कि वीडियोस को देखे ही ना और सब्सक्राइब करके रख दे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से इंटरैक्शन संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है। तो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका अपना एक चैनल है जिसके द्वारा वो स्टूडेंट से इंटरैक्शन करती है और वीडियोस अपलोड करती है। तो ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी करती है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी भी करती है, तो इनमें से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे अब तो 32 स्वयंप्रभा के थ्रू 32 चैनल चलाए गए हैं DTH के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि ये एचआरडी के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ये चैनल चलाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है, यानी वो कौन सी कार्य कुशलता यानी कौन सी स्किल टीचर के अंदर आज के टाइम में होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी का ज्ञान, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, विषय पर अधिकार। अब देखिए, जो टीचिंग एड से रिलेटेड प्रौद्योगिकी है उसका ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों की नीड क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए टीचर की। लेकिन प्रौद्योगिकी का ज्ञान जरूरी नहीं है कि हर टीचर को प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज्ञान पूछा गया है। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कई तरीके की है ना, टीचर को सिर्फ उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए जो टीचिंग में ज़रूरी है, ना कि सारी टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे 2, 3, 4 करेक्ट हो जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थाओं से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी जो टीचर को एजुकेट करने वाली जो इंस्टीट्यूट है, टीचर की एजुकेशन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है उसको एक्रीडेशन कौन देता है, उसके लिए MOU किसने साइन किया है। तो ये साइन किया है NAAC और UGC ने। NAC आपको पता है, NAC एक्रीडेशन देती है यूनिवर्सिटी को, तो ये टीचर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी को भी देती है और UGC के थ्रू NAC काम करती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक मुझे इंग्लिश में ही इसको डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज हिंदी में आप लोगों को ये थोड़ा टफ लगेगा, तो हिंदी में भी इसको मैं डिस्कस करूँगा। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू, जो टीचर है उसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है, रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड उनका डेवलप करना पड़ेगा, इम्प्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, तो ये भी थोड़ा बहुत है, हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यस, इम्बाइव वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट, यानी नैतिक मूल्यों का प्रसार करना स्टूडेंट में। तो ये सारे के सारे काम क्या है, एक टीचर के है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट के अंदर ये भी आ जाएगा, दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर है सी, चहुमुखी विकास करना स्टूडेंट का। माइक्रो टीचर जो टीचिंग है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा
इफ़ेक्टिव होती है। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? माइक्रो टीचिंग का मतलब है आप जीरो से शुरू कर रहे हैं और वास्ट लेवल तक, सबसे बड़े लेवल तक उसको पहुंचा रहे हैं। तो माइक्रो टीचिंग लाइक जोड़ तोड़, जैसे फॉर्मूले अगर किसी को आपने समझाने हैं, फॉर्मूला उसको तोड़ तोड़ के एक प्लस एक प्लस एक इस तरीके से उसको आप बताओगे, तो ये माइक्रो टीचिंग होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। जब आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम माइक्रो टीचिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आपने फॉर्मूले तोड़ तोड़ के समझ लिए तभी आप स्टूडेंट को उसको अच्छे से समझा पाओगे। व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट इन टीचर, टीचर के अंदर स्टूडेंट किस प्रकार की क्वालिटी को लाइक करोगे? अब देखो, आइडियलिस्ट फिलॉसफी, इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया है जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया था। तो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी कौन पसंद करेगा टीचर के अंदर? तो ये डेफिनेटली जो इंस्टीट्यूशन है, समाज है, वो एक आइडियल टीचर को अपना एक अच्छा टीचर मानता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट किस तरीके के टीचर को बेस्ट मानता है? तो वो मानता है जिसके अंदर क्या हो, कंपैशन हो, करुणा भाव हो, वो टीचर के स्टूडेंट के प्रति करुणा भाव रखता हो, कंपैशन रखता हो, तो ऐसा टीचर पसंद किया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा। नल हाइपोथीसिस इज, नल हाइपोथीसिस जो होती है उसको जीरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नल हाइपोथीसिस के ऑपोजिट है अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस, जिसको एक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नल हाइपोथीसिस का मतलब होता है नो कोरिलेशन, यानी व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल। ठीक है, आपने एक हाइपोथीसिस सेट की, अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्लासरूम में किया जाएगा तो टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो ये आपकी हाइपोथीसिस है। लेकिन जब आप उसको प्रूव करते हैं ना बाद में, जब आप कंक्लूजन निकालते हैं, तो आपको पता लगता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो 90% है, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है वहाँ पे भी एफिशिएंसी क्या है, 90% है। दैट्स मीन जो आपकी हाइपोथीसिस थी उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है, आपकी नल हाइपोथीसिस यहाँ पे आ गई जीरो, क्योंकि कोई भी कोरिलेशन यहाँ पे नहीं है, वेरिएबल के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है नल हाइपोथीसिस व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। द रिसर्च विच इज exploring new facts through the study of the past is called, ऐतिहासिक संदर्भ, यानी ऐसी स्टडी जो कि ऐतिहासिक जो आपके तथ्य है उसके आधार पे क्या कर रहे हैं, फैक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको कहा जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज, एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का भाग होता है, डेफिनेटली अप्लाइड रिसर्च का ये भाग होता है। लेकिन एक्शन रिसर्च एक्चुअल में होती क्या है? एक्शन रिसर्च अ रिसर्च कैरीड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च क्या होती है? इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये अपनाई जाती है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि अप्लाइड रिसर्च का भाग है लेकिन बेस्ट एक्सप्लेन इसे क्या कर रहा है, इमीडिएट प्रॉब्लम कोई खड़ी होगी लाइक स्टूडेंट एकदम से, सॉरी स्टूडेंट नहीं, वर्कर्स कंपनी में एकदम से हड़ताल कर देते हैं, तो वो इमीडिएट प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो गई, तो आप एक्शन रिसर्च के थ्रू पता करेंगे क्या क्या फैक्टर है और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये एक्शन रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए होती है। द प्रोसेस नॉट नीडिड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या जरूरी नहीं है, ऑब्जर्वेशन। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डेफिनेटली ऑब्जर्व करते हैं कि मैंने ये पदार्थ इसमें मिलाया था उससे क्या रिएक्शन हुआ, तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है। कंट्रोलिंग, आपको कुछ फैक्टर को कंट्रोल करना पड़ता है, वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ कंट्रोल्ड वेरिएबल होते हैं, तो कंट्रोलिंग इज़ नेसेसरी। कंटेंट एनालिसिस,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कंटेंट एनालिसिस, जो भी कंटेंट आपने डाला है उसको एनालाइज करना कि इससे क्या रिएक्शन हुआ, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैनिपुलेशन यानी जोड़ तोड़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, मैनिपुलेशन यानी जोड़ तोड़, और इसको आप बोल सकते हैं दक्षता, दक्षता भी मैनिपुलेशन को बोल सकते हैं। तो दक्षता हमेशा पार्ट होती है फंडामेंटल रिसर्च की, मूलभूत, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हाँ मूलभूत शोध। विच कोरिलेशन को एफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस यानी जो व्यक्ति क्रिएटिव होगा वही इंटेलिजेंट होगा, और जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा वो क्रिएटिव भी होगा। तो ये कोरिलेशन और को एफिशिएंट कौन बता पाएगा, तो ये बता पाएगा 1.0। अब ये आपको तभी समझ आएगा जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग को पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके अंदर आप रिग्रेशन पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे समझ आएगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा होता है वहाँ पे डेफिनेटली क्या होता है, कोरिलेशन होता है। तो ये रिसर्च के जो क्वेश्चन है इसको आप इंग्लिश में ही पढ़े तो आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 13 से 18 ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूँगा आपके लिए, इसको आप खुद पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से सबसे अधिक वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? ऐसा देश मतलब जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो ऐसा देश है आपका यूएसए। यूएसए के अंदर 2 न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, वो है यूएसए टुडे, एक न्यूज़पेपर है यूएसए टुडे, और दूसरा है वॉल स्ट्रीट, ठीक है वॉल स्ट्रीट जर्नल। 2 न्यूज़पेपर ऐसे हैं यूएसए के जिसका विश्व में सबसे ज़्यादा क्या है, वितरण होता है। अमौखिक संचार का कालक्रम कालानुक्रम क्या होता है? अमौखिक संचार यानी आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो कालानुक्रम होता है वो होता है, सबसे पहले आपके पास होते हैं प्रतीक, ठीक है आपके पास क्या होगा, कोई सिंबल होगा, सिंबल के बाद वो कूट बन जाएगा, यानी सिंबल को आप कोड बनाएंगे, इंग्लिश में ही देखते इसको, यस सबसे पहले आपके पास कोई सिंबल होगा, सिंबल से आपके कोड बनेंगे, कोड से साइन बनेंगे, और साइन से कलर बनेंगे। इसको आप ट्रैफिक से भी समझ सकते हैं, ठीक है सबसे पहले आपके पास सिंबल होता है, फॉर एग्जांपल ये ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट में ये क्या है, 3 सिंबल बने हैं, सिंबल्स को आपने कोड दे दिया, ये एक है, ये दूसरी लाइट है, और ये तीसरी लाइट है। फिर इससे कुछ साइन बने होंगे इसमें, ठीक है लाइक इधर को साइन बना है, उधर को साइन बना है, ऊपर को साइन बना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में कलर, कलर लाइक ये आपका यहाँ पे येलो लाइट है, ठीक है ये वाली आपकी येलो लाइट है, ये आपकी ग्रीन लाइट है, और ये आपकी रेड लाइट है, इस तरीके से। तो इससे क्या है, आप कलर के द्वारा ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप कई एग्जांपल से समझ सकते हैं, रिलीजन से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सिंबल से शुरू होता है और कलर पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 21, संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? कम्युनिकेशन के साथ कौन सा रिलेटेड नहीं है? संदेश माध्यम है, विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक ककून है, सूचना शक्ति है, टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। टेलीपैथी होता क्या है, टेलीपैथी क्या होता है, जैसे धर्मगुरु होते हैं ना, या फिर आप बोल सकते हैं एक पुजारी है, वो आत्माओं से कनेक्ट कर लेता है,
ठीक है, बोलते ना कि एक ऐसा तांत्रिक है वो जो मरे हुए इंसान है उसके साथ कॉन्टेक्ट करता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन लाता है वो मरा कैसे ये वो सो। तो टेलीपैथी कोई प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, टेलीपैथी क्या है, टेलीपैथी हमारे आप बोल सकते हैं एक तरीके का भ्रम है, रूढ़िवादिता है, या फिर इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। संचार वृत्ताकार हो जाता है, संचार सर्कुलर कब हो जाता है, डिकोडर जब एनकोडर बन जाता है, डिकोडर जब एनकोडर बन जाता है तो संचार क्या बन जाता है, सर्कुलर। लाइक यहाँ पे कौन था, यहाँ पे था एनकोडर। एनकोडर कौन होता है, जिसने संचार को क्या किया है, मैसेज को जिसने टाइप किया है। एनकोडर के बाद मीडियम आ जाएगा जिसके द्वारा उसने मैसेज को भेजा। मैसेज के बाद आपका आ जाएगा डिकोडर। डिकोडर यानी जो डिकोड करता है मैसेज को कि उसने क्या लिखा है, ठीक है। अब डिकोडर, डिकोडर जब एनकोड करेगा फीडबैक, ये जब फीडबैक वापस देगा, फीडबैक करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, मैसेज एनकोड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये वापस क्या बन गया, यहाँ पे आपका डिकोडर एनकोडर और ये सर्कुलर प्रोसेस पूरी होती है। निम्नलिखित में से किस साइट ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले यानी 26/11 हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये ट्विटर था जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके द्वारा ये पूरी की पूरी अंजाम दिया गया था मुंबई आतंकवादी हमले को। कक्षा में प्रभावशील संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है, बिल्कुल सही बात है। कई बार जो प्रोजेक्शन पद्धति होती है प्रोजेक्टर के द्वारा आप क्या करते हैं, संचार यानी कम्युनिकेशन करते हैं क्लासरूम में। प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में क्यों प्रयोग किया जाता है प्रोजेक्टर को, क्योंकि इससे क्या होता है, जो टीचिंग एड के द्वारा पाठ्यक्रम को ईजी बनाया जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा, तो 1995 क्या है, 1995 है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर है, ठीक है, दैट्स मीन नॉन लीप ईयर है। इसमें क्या होगा, एक और डे होगा, कैसे, 365 दिन है क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है दैट्स मीन साल में 365 दिन है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7×5=35, हासिल आया 1, ऊपर से 5, 7×2=14, शेषफल बचा 1, शेषफल 1 बचा, दैट्स मीन एक और डे होगा, यानी अगले साल एक दिन बढ़ेगा 1 जनवरी को। अगर यहाँ रविवार था तो डेफिनेटली एक दिन बढ़ेगा सोमवार, अगर ये 1992 होता, 1992 होता, तो 1992 क्या है, लीप ईयर है, तो 366 दिन होते हैं, तो शेषफल यहाँ 2 बचना था, यानी 2 दिन बढ़ने थे, रविवार सोमवार मंगलवार हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 26, जब एक समकोण की लंबाई और चौड़ाई में 1% की भूल हो जाए तो समकोण के क्षेत्रफल की भूल की प्रतिशतता होती है 2%। 2, 5, 9, 19, 37 की श्रृंखला में अगली कौन सी संख्या होगी, इसको अगर आपका माइंड उस टाइम फ्रेश है, आप टेक्निक आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है तो जल्दी सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे दिया है 2, अगला दिया है 5, 2, 5, 9, 19, 37, इसके बीच वैसे कोरिलेशन नहीं बन रहा है, आप अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 2 के बाद 9, 5 के बाद 19, 9 के बाद 37, 19 के बाद क्या आएगा, इस तरीके की ये श्रृंखला बन रही है। देखिए 2×4+1=9, 2×4 आठ प्लस एक
9, वैसे ही 5×4 -1 19, 9×4 36, 9×4 +1 37। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर प्लस किया जा रहा है और नीचे माइनस किया जा रहा है। फिर इसको देखते हैं, यहाँ पे 19 × 19 19 × 58 19 57 19 × 76 19×4 -1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया तो आराम से इसको समझिए, इसका आंसर आएगा 75। क्योंकि संख्या को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे 19×4 हर संख्या को 4 से गुणा किया गया है, इसको माइनस किया गया है, ऊपर वाली को प्लस किया गया है और नीचे वाली को माइनस किया गया है। तो यहाँ पे 19×4 -1 करेंगे तो आ जाएगा 75। एक परीक्षा में 10 प्रश्न सही गलत के हैं, यानी राइट और रॉन्ग के क्वेश्चन 10 दिए गए हैं, इन्हें कितने तरीकों से हल किया जाता है, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपने ज़रूर देख लेना है। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो 10 सही गलत के हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10^10। तो ये आ जाएगा हमारा 1024, डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से अगला पद टर्म कौन सा होगा, तो देखो ये कितना टफ करके यहाँ पे पूछा जाता है। अब इन्होंने सीधे से ये नहीं पूछा W, मतलब इंग्लिश में नहीं लिखा, इसको शब्दों में लिख दिया है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है यहाँ पे DCXW, अगला दिया है FEVU, नेक्स्ट है HGTS, अगला क्या होगा। अब देखो ऐसे भी आ जाएगा, डी के बाद क्या छोड़ा है यहाँ पे, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ओके, डी के बाद यहाँ पे क्या छोड़ा है, ई एफ जी एच, एच के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, आई सी डी ई एफ जी एच ओ सॉरी यहाँ पे एच, यस दो तो हमारे आ गए, आई यहाँ पे छोड़ना है, आई के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, आई के बाद नेक्स्ट आएगा जे, एच के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, एच आई जे आई, तो दो से ही हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, इसका जो करेक्ट आएगा जे आई आर क्यू, इसको पूरा आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं। तीन व्यक्तियों तीन व्यक्ति है, एक्स वाई जेड ने एक कार मिलकर किराए पर ली और कार वाले को 1040 रुपये की अदायगी की। उन्होंने कार को क्रमशः 7, 8 और 11 घंटों के लिए प्रयोग किया, वाई द्वारा कितना अदा किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन है अनुपात से रिलेटेड, अनुपात के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है और ये डाटा इंटरप्रिटेशन में भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ने कार खरीदी, टोटल कितना पे किया, 1040 रुपये, कितने घंटे यूज किया, 7, 7 और 8 15, 15 और 11 26, टोटल कितने घंटे यूज किया, 26 घंटे। वाई का यहाँ पे पूछा है, तो वाई ने कितने, एक्स ने 7 घंटे, वाई ने 8 घंटे यूज किया, गुणा 8 हम इसको कर लेंगे। अगर यहाँ पे एक्स का पूछा होता, गुणा 7 हम यहाँ करते, क्योंकि हमने एक्स का निकालना है।
अगर यहाँ पे जेड का पूछा होता गुणा 11 हमें यहाँ पे करना पड़ता, ठीक है। तो इसको हम काटते हैं, 13 × 26, 5 × 10 और 2 × 2, ठीक है, 520। अब 13 से 520 नहीं कटेगा, गुणा 8 उसके बाद हमें करना है। अब यहाँ पे स्पेस की कमी है तो आप इसका क्या करेंगे, सिंपली पहले 520 गुणा, सॉरी, सबसे पहले आप क्या कर देंगे, 520 गुणा 8 कर देंगे, उसके बाद आपने डिवाइड करना है 13 से। तो 520 गुणा 8, 800, 8 × 16 हासिल आया 1, 8 × 5 = 40 और 1 = 41, ठीक है। आपके पास आ गया 4160, 4160 को डिवाइड करना है 13 से, 4160 डिवाइडेड बाय 13, 13 × 13, 13 × 26, 13 × 39, शेषफल बचा 2, 13 × 26, शेषफल 0, और यहाँ से जो 0 था ये हमने सीधा ऊपर ले गए 320। इसका मतलब है y को कितना पे करना पड़ेगा, 320 रुपये, क्योंकि उसने 8 घंटे यूज किया था। अगर यहाँ पे x का पूछा होता, इसने 7 घंटे यूज किया है तो डेफिनेटली इसको 320 से कम पे करना था, और इसने 11 घंटे यूज किया है तो इसको सबसे ज़्यादा पे यहाँ पे करना पड़ेगा। निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है जो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग है, उसमें क्या सम्मिलित होता है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या किया जाता है, तार्किक संबंध देखे जाते हैं, लॉजिकल रीजन इसके बीच देखे जाएंगे। आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित है या पूर्वापेक्षा करती है। आगमनात्मक जो बौद्धिकता है, इसको इंग्लिश में ही आप पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। ओके, इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन प्री सपोजिस गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, यानी भगवान ने विश्व को बनाया है, ये इंडक्टिव रीजनिंग का एक भाग है। टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी, जब भी आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो आपको कैसा होना पड़ेगा, आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सोशली रेलिवेंट होना पड़ेगा, या इंडिविजुअली सेटिस्फाइंग होना पड़ेगा, या एनालिटिकल होना पड़ेगा। जब भी आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, उसकी विशेषताएं देखते हैं, उसकी कमियां देखते हैं, तो आप कैसे देखते हैं, जब भी आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, आपको क्या होना पड़ेगा, विश्लेषणात्मक आपको होना पड़ेगा, आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, तभी आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाओगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉजियस स्टेटमेंट, एनालॉजियस स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। एनालॉजियस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप समान अर्थ निकाल रहे हो, समान अर्थ जहाँ से निकलता है, मैन इज लाइक गॉड, मैन की तुलना यहाँ पे किससे की जा रही है, गॉड से, तो ये क्या है, एनालॉजी है इसके बीच। जैसे कि एनालॉजी होती है कुएं में मेंढक, मेरे पास तो इतना सा खाना है, ऐसा लग रहा है जैसे कुएं में मेंढक, तो ये क्या है, इसकी क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, या फिर इसका समान अर्थ ये निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, 3 प्रतिच्छेदी यानी ओवरलैपिंग, यहाँ पे सर्कल आप देख पा रहे हो, 3 ओवरलैपिंग सर्कल है जो एक दूसरे को काट रहे हैं। आई के अंदर दर्शाया गया है जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, एच के अंदर जो हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और टी के अंदर जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है।
तो जो सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो द इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ते हैं, और 6 लोग ऐसे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ये दोनों ओवरलेप हो रहे हैं, इसका मतलब है जो टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं वो यहाँ पे ओवरलेप हो रहे हैं, वो 5 लोग हैं। जो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू पढ़ते हैं वो 12 लोग हैं, जो हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं वो 8 लोग हैं। और ऐसे लोग जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तीनों ओवरलेप कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। 2 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, कितने व्यक्ति कम से कम 2 समाचार पढ़ते हैं। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 भी पढ़ सकते हैं, हालांकि यहाँ पे 3 ही है, कम से कम 2 पढ़ते हैं। तो 12 और 5 17 और 8 25 और 2 27, ठीक है। यानी 27 लोग ऐसे हैं कम से कम 2 समाचार पढ़ते हैं, यानी 2 से ज्यादा जितने पढ़ते हैं, इसका मतलब वही है कि 2 से ज्यादा कितने पढ़ते हैं, 2 से ज्यादा तो 2 पढ़ते हैं, कम से कम 2 तो पढ़ते ही हैं और 2 से ज्यादा, तो ये यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति अधिक से अधिक 2 समाचार पढ़ते हैं। अधिक से अधिक 2 समाचार, अधिक से अधिक, 2 से ज्यादा नहीं, तो अधिक से अधिक 2 समाचार तो यही लोग पढ़ते हैं, दैट्स मीन ये 25 है, यहाँ 2 लेस हो जाएगा, 25 पढ़ते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, निम्नलिखित ग्राफों में कौन सा नियमित आवधिक चल के व्यवहार FT का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी इसमें से कौन सा ऐसी फ्रीक्वेंसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जिसमें रेगुलरिटी है, ठीक है, ऐसा जिसमें रेगुलरिटी व्यवहार के अंदर है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट रेगुलर पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ वेरिएबल। रेगुलर पीरियोडिक बिहेवियर फ्रीक्वेंसी में जो यहाँ पे नहीं बता रहा है, तो 1 में आप देखेंगे तो डेफिनेटली रेगुलर बता रहा है। अगर प्रोडक्शन पहले 3 थी, पहले दिन 3 थी, दूसरे दिन वो कितनी हो गई, 1, फिर 3 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 3 हो गई, डेफिनेटली फिर 1 हो जाएगी। तो ये क्या बता रहा है, रेगुलर पीरियोडिक इसकी बता रहा है फ्रीक्वेंसी। अगला आप देखेंगे यहाँ पे भी रेगुलर बता रहा है अप एंड डाउन, और यहाँ पे देखेंगे आप ये भी रेगुलर बता रहा है अप एंड डाउन, स्ट्रेट अप एंड डाउन, लेकिन ये इसका रेगुलर नहीं बता रहा है, ये पहले सीधा था, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये सीधा चला गया, अब ये कहाँ तक सीधा जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसकी कोई भी पता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। ओके, तो देखते हैं, ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे आंसर करना था। डाटा को पहले आप समझ लीजिए, जो यहाँ पे ये ब्लैक के द्वारा दर्शाया गया है ये है हॉस्पिटल एक्स, ठीक है, और जो यहाँ पे सर्कल के द्वारा बताया गया है ये है हॉस्पिटल वाई। अब आप देखोगे ये 2001 का डाटा यहाँ पे है, 2002 का डाटा, 2003, 2004, 2005 और 2006। लाइक 2001 में आप इसको समझिए, 2001 में एक्स में कितने पेशेंट हुए और वाई में जो पेशेंट रजिस्टर हुए थे वो हुए 6000 और एक्स में हुए थे 8000। इस तरीके से पूरा ये ग्राफ आपने एनालाइज करना था। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन विच ईयर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट रजिस्टर इन हॉस्पिटल एक्स एंड वाई वाज द मैक्सिमम। किस साल में
जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट है वो एक्स और वाई में दोनों में मिला के सबसे ज़्यादा रजिस्टर हुए, सबसे ज़्यादा दोनों में मिला के। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे दोनों में मिला के यहाँ पे 6 हुए, यहाँ पे 8 हुए, दैट्स मीन 14,000 हुए 2001 में। 2002 में 4 और 10 14,000, 2003 में 6 और 8 हुए 14,000। उसके बाद 2004 में 4 और 6 10,000, 2005 में 4 और 12 16,000, 2006 में 2,000 और 4,000 6,000। दैट्स मीन वर्ष 2005 में 16,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे ज़्यादा पेशेंट जो एडमिट हुए थे वो हुए थे 2005 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द मैक्सिमम डिस्पर्शन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट इन द टू हॉस्पिटल इन अ ईयर। यानी विसर्जन, विसर्जन का मतलब होता है डिस्पर्शन, दोनों के बीच सबसे ज़्यादा गैप, दोनों हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा गैप किस ईयर में देखा गया, गैप सबसे ज़्यादा या फिर अनुपात इनके बीच सबसे ज़्यादा किस ईयर में देखा गया। तो सिंपली आपको जो सबसे ज़्यादा डाउटफुल लगता है सबसे पहले आप उसी को देखिए, सबसे ज़्यादा गैप एक एक करके देखेंगे। 8 और 6 के बीच कितना गैप है, 2000 का गैप। 4 और 10 के बीच कितने का गैप है, 6 का गैप। यहाँ पे तो डेफिनेटली कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो ये है 4 और 12 के बीच कितने का गैप है, 8000 का गैप। दैट्स मीन 2005 में डिस्पर्शन यानी कि विसर्जन सबसे ज़्यादा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2005 के अंदर 8000 का विसर्जन गैप सबसे ज़्यादा है, 8000 का। यहाँ पे ईयर नहीं पूछा है, सबसे ज़्यादा गैप 8000 है। इन विच ईयर देयर वाज मैक्सिमम डिक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट इन एक्स। एक्स हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज हुआ पेशेंट रजिस्ट्रेशन का वो किस ईयर में हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे ये एक्स का डाटा है, यहाँ पे तो डेफिनेटली बढ़ा है, यहाँ पे घटा है, यहाँ पे भी घटा है। तो यहाँ पे कितना घटा है, यहाँ पे 10,000 से 8,000 2,000 घटे हैं, यहाँ से यहाँ पे 8 से 4 आगे 4,000 घटे हैं, यहाँ पे बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, मैक्सिमम यहाँ पे बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 12,000 से सीधा पहुँच गया 2,000 के बीच, यानी 10,000 पेशेंट घटे हैं। तो किस ईयर में घटे हैं, 2006 में। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारा डी। डाटा इंटरप्रिटेशन में हमेशा बोलता हूँ फ्री के नंबर है, इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िए और अच्छे से डाटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्मूलाज को आप समझ लीजिए। तो ये दृष्टिहीन के लिए पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ा स्रोतों में से कौन सा प्रारंभिक आंकड़ा संग्रहण पर आधारित नहीं है, यानी प्राइमरी सोर्स पर आधारित कौन सा नहीं है। जो भारत की जनगणना होती है इसको सेंसस ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता है प्राइमरी डाटा। सेंसस जो होता है वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण ये भी प्राइमरी डाटा पर आधारित होता है, और भारत के आंकड़ों का जो सार होता है ये भी प्राइमरी पर होता है। लेकिन जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण होता है ये सेकेंडरी डाटा पर आधारित होता है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल प्राइवेट सरकारी उनका डाटे को ही यूज करते हैं, ये होता है सेकेंडरी डाटा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ये प्राइमरी पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित चार आंकड़ा विन्यासों में सबसे ज़्यादा विसर्जन किसमें है, इसमें भी डिस्पर्शन से रिलेटेड है, सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन कहाँ पे है। तो ये बेसिकली आप देखोगे 88 और 91 के बीच 3 का, फिर यहाँ 1 का, फिर यहाँ 2 का, फिर यहाँ 1 का, इसमें सबसे ज़्यादा किसमें है दूर से ही आप पता कर लोगे। ये देखिए 5 का यहाँ पे है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 12 का है,
यहाँ पे 6 का है। तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन कहाँ पे है? डी में सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित है? नहीं है सूचना सुरक्षा। इंटरनेट में जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कैसे सुरक्षित सिक्योर रख सकते हैं? डाटा इनक्रिप्ट करके। डाटा इनक्रिप्ट का मतलब होता है उसको पासवर्ड के द्वारा इनक्रिप्ट कर लेंगे। पासवर्ड प्रोटेक्ट जो हमारा डाटा होगा तो ये डेफिनेटली सिक्योर करेगा। डाटा हाइड कर देंगे, हम हाइड कर देंगे डाटा को, छुपा देंगे तो वो हमारा चोरी नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन को हम रिट्राइव करेंगे वाटर मार्किंग। वाटर मार्किंग के द्वारा भी हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल आई थिंक इसके द्वारा हम अपना डाटा को क्या करते हैं? इसके द्वारा भी हम सुरक्षित करते हैं। लेकिन वाटर मार्किंग क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये QAF देख पा रहे हो, इसको वाटर मार्क बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? आपका जो डाटा है उसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं कि ये वाटर मार्क मेरा है, दैट्स मीन ये मेरा पेज यूज किया गया है। तो ये इसलिए यूज होता है, ना कि सुरक्षा के लिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये टेराबाइट सबसे बड़ी इकाई इनमें से है। इसके अलावा पेटाबाइट, हेक्साबाइट अगर होती तो वो होती, टेराबाइट यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई है। बिट स्टैंड्स फॉर, बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, इनमें से लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? लीनियर का मतलब है जो एक के बाद एक जुड़ता है, एक के बाद एक जुड़ता है, उसको बोलते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, क्यू डाटा आपका लीनियर होता है, स्टैक भी आपका लीनियर होता है। लेकिन बाइनरी ट्री का मतलब एक प्लस एक, नीचे ट्री बनता जाएगा, एक प्लस एक प्लस एक प्लस, इस तरीके से ये ट्री बनेगा। ट्री का मतलब जो इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, यहां से यहां से यहां से डाटा। तो ये जब ट्री में बन रहा है तो लीनियर कैसे हुआ? ट्री कभी भी लीनियर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बाइनरी ट्री। Which one of the following is not network device? Network device इनमें से कौन सी नहीं है? Router के द्वारा, switch के द्वारा और hub के द्वारा हम क्या करते हैं? Data को distribution करते हैं, divide करते हैं या share करते हैं। लेकिन CPU जो होता है, central processing unit, ये network device नहीं है, ये computer की main unit है। A compiler is used to convert the following to object code which can be executed. जो compiler होता है computer के अंदर, compiler हमेशा high level language को low level language यानी machine language में convert करता है। compiler का काम क्या होता है? high level language को low level language में convert करना। high level language का मतलब क्या होता है? human language। जैसे english है, english computer के लिए क्या होती है? high level language। english को computer नहीं समझ पाता है तो compiler क्या करता है? उसको machine language यानी 0101001 में convert कर देता है। the great indian bustard bird is found in, the great indian bustard जो bird है वो थार डेजर्ट, थार मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। द सागर मंथन नेशनल पार्क, सागर मंथन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है माउंट एवरेस्ट में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट में सागर मंथन नेशनल पार्क को इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। मैक्सिमम सूट इज रिलीज फ्रॉम, सबसे ज़्यादा जो कालिक है वो कहाँ से उत्सर्जित की जाती है? सबसे ज़्यादा जो कालिक होती है वो थर्मल पावर प्लांट से, भू तापीय ऊर्जा से निकलती है। सबसे ज़्यादा कालिक कहाँ से निकलती है? थर्मल पावर प्लांट से। सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, सरफेस ओजोन जो होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस की जा होती है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कैन बी एक्सप्लोइट मोस्ट इकोनॉमिकली, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन
जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जिसमें बहुत कम कॉस्ट हमें लगती है, इकोनॉमिक है, वो है सोलर पावर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी, क्योंकि एक बार हमने सोलर प्लांट लगा दिया तो उसमें हमें बस सूरज की किरणें आ रही है, उसको स्टोर कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा चीपर मानी जाती है इन सब में से। द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हजार्ड इन इंडिया, भारत में प्राकृतिक आपदा जो बहुत ज़्यादा होती है वो है फ्लड्स, बाढ़। बिट का तात्पर्य, ओके ये हो चुका है, इसको आप हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिशों का आशय क्या है? ज़्यादा अध्यापन के पद बनाना, नो। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना, बिल्कुल। 1500 नए विश्वविद्यालय तभी तो बनाने का उन्होंने सिफारिश की थी, ताकि हायर एजुकेशन में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स आ सके। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है, सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इंटरैक्टिव और विद्यार्थी उन्मुख केंद्रित है, यानी स्टूडेंट ओरिएंटेड, स्टूडेंट सेंट्रिक, सबसे ज़्यादा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट के बीच, वो है समूह चर्चा। ठीक है, ग्रुप के अंदर जो चर्चा होती है। भारत की संसद गठित होती है, भारत की संसद किसके द्वारा बनती है? भारत की संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियों, औपचारिक प्रणाली व दूरस्थ प्रणाली का योगदान क्या होता है? जब भी हायर एजुकेशन का योगदान देखा जाता है, हायर एजुकेशन में कभी भी इन आंकड़ों के ऊपर नहीं देखा जाता है कि हायर एजुकेशन में कितने आपके डिस्टेंस एजुकेशन में है और कितने रेगुलर में है, वो पूरा का पूरा आंकड़ा देखा जाता था 2009 के अनुसार। अभी क्या है वो आपने एक बार चेक कर लेना, उस टाइम के अनुसार से ये डी करेक्ट आंसर था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए, बिल्कुल सही बात है। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है, ये क्या कराते हैं? ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं, तो ए बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होता है, या फिर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, जो भी टीचर लगते हैं, भले यूनिवर्सिटी में लगते हैं या कॉलेज में लगते हैं, उन्हें कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो ए सही है, आर गलत है, दैट्स मीन सी इज करेक्ट आंसर। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।